नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है मलाई रोल बनाने की। झटपट से ये बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इनको फटाफट से बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस मलाई रोल की रेसिपी को। मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ एक गिलास दूध। और दूध को हम गर्म कर लेंगे। दूध हल्का गुनगुना हो गया है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 ये केसर के धागे लिए हैं, तो इसमें से मैं 2 से 3 चम्मच दूध इस बोल में निकाल लूँगी और इन केसर के धागों को हम इन दूध में भिगो देंगे। अब हम दूध में एक उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मलाई। फ्रेश मलाई है जो डेली हम दूध गर्म करते हैं उस पर निकलती है। ज़्यादा दिन की मलाई का यूज़ हमें नहीं करना है। मलाई हमने इसमें ऐड कर दी, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से जब हम रबड़ी बनाते हैं तो वो फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा हमें दूध को बॉयल नहीं करना पड़ता है। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप लिया है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे जिससे कि इसमें गांठे न बने, ध्यान रखना है हमें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ऐड कर रही हूँ। एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको बराबर से मिक्स करते जाएंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा और ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा। जो रबड़ी है जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पूरा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। गैस की फ्लेम अभी हमने लो कर रखी है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई भी इसमें लम्प्स ना बने। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम हाई कर लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, अब रबड़ी में उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं कि हल्की सी हमें ये गाढ़ी दिखाई दे रही है। इसको अब हम सिर्फ 2 मिनट और उबालेंगे जिससे कि थोड़ी सी ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसको 2 मिनट ही सिर्फ और कुक किया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है। इस तरह से जब हम रबड़ी बनाते हैं तो फटाफट से बन जाती है, हमें ज़्यादा दूध को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन रबड़ी जब थोड़ी सी मीठी होती है तभी मलाई रोल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे। चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच हरी इलायची क्रश की हुई। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। मिक्स कर लेंगे। साथ ही थोड़े से यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये रबड़ी है ये बन के तैयार है। तो गैस की फ्लेम को मैं ऑफ नहीं कर रही हूँ, इसकी फ्लेम को मैं लो कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, तो जो रबड़ी का हाफ पोर्शन है उसको मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, आधी रबड़ी हमने इस बोल में ट्रांसफ़र कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो आधी रबड़ी पैन में बची हुई है गैस की फ्लेम को हम हाई और मीडियम रखते हुए इसको गाढ़ा करेंगे। इसका हम इंस्टेंट मावा तैयार करेंगे। बराबर से हम इसको चलाते रहेंगे, चलाना हमें बंद नहीं करना है। इस तरह से जो हमारा मावा है वो भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा इंस्टेंट मावा भी बनके तैयार है। फटाफट से ये तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा मावा ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर ब्रेड की स्लाइसेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7
ये ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, तो इसके हम जो कॉर्नर हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ से हम कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ करेंगे। ब्रेड क्रम्स का यूज़ हम बहुत सारी रेसिपीज़ में करते हैं, तो इनको हम एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम अपने सारी ब्रेड की स्लाइसेस तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड की स्लाइसेस भी तैयार कर ली हैं, इनके कॉर्नर्स कट करके। मावा भी ठंडा हो गया है तो हमने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर लेंगे बादाम को अच्छे से। थोड़े से बादाम मैं पहले भी इसमें ऐड कर चुकी थी। हमने ले ली है एक ब्रेड की स्लाइस और इसको हम बेलन की हेल्प से पतला बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला इसको बेल लें। कॉर्नर अच्छे से दबने चाहिए। हमें फ्रेश ब्रेड लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने एकदम पतला बेल लिया है। तो इसी तरह से हम सारी ब्रेड की स्लाइसेस बेल के पतला एकदम तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारी ब्रेड की स्लाइसेस तैयार कर ली हैं इस तरह से बेल के। एक बोल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, आप दूध ले सकते हैं या जो हमने रबड़ी तैयार की है आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्लाइस ले ली, जो हमने मावा तैयार किया है उसको हम इस तरह से रोल बना के सेंटर में रखेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सेंटर में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रश से या फिंगर से ब्रेड के चारों कॉर्नर पे हम हल्का सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसको रोल करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। चारों कॉर्नर पे हमने अच्छे से पानी लगा लिया है, तो अब हम इसको रोल करेंगे। और जहाँ किनारे आएंगे तो हल्का सा हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से रोल हो गया है, जो इसके किनारे हैं वो भी अच्छे से चिपक गए हैं। तो इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, एक और बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने एक ब्रेड की स्लाइस ली, जो हमने मावा तैयार किया था उसको रोल बना के इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे। ये देखिए, और ब्रश से ब्रेड के चारों कॉर्नर पे हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। चारों कॉर्नर पे हमने पानी लगा लिया, तो हम इसको सावधानी से रोल करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से रोल हो गया है, तो हमारा दूसरा रोल भी ये बनके तैयार है। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये रोल बना के तैयार कर लिए हैं। रबड़ी हमने पहले ही बना के तैयार कर ली थी, तो इसके ऊपर अब हम डाल देते हैं रबड़ी। देखिए मलाई भी हमने इसके ऊपर अच्छे से डाल दी। थोड़ी सी केसर हमने दूध में इस तरह से भिगो के रखी थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम केसर वाला दूध भी डाल देंगे। तो ये देखिए, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा दिखाई दे रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। केसर वाला दूध डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, आप कोई से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं।
तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी ये मलाई रोल बन के तैयार हैं, झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।